चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यूज नंबर 1 द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी इंक्रीजेस व्हेन द स्मॉल जी की वैल्यू इंक्रीज कब होती है जब डिक्रीज इन एल्टीट्यूड जी की वैल्यू इंक्रीज कब होगी जब एल्टीट्यूड डिक्रीज होगा और यहां पे अगर जी की वैल्यू डिक्रीज कब होगी जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है इट मींस हाइट के साथ साथ जी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं हाइट के ऊपर एल्टीट्यूड पर कम्युनिकेशन के लिए इनको यूज करते हैं और उन सैटेलाइट्स जो स्टेशन सैटेलाइट को लॉन्च्ड करते हैं अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ तो कितनी हाइट के ऊपर उनको हम लॉन्च्ड करते हैं भेजते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है 42,300 किलोमीटर अबव द दिस इज द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ क्वेश्चन नंबर 3 द ऑर्बिट स्पीड ऑफ ए लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज The right answer is 8,000 meter per second is the orbit speed of the low orbit satellite. Next, question number 4. The value of gravitational constant is capital G ki value jo hoti hai. Newton gravitation law F is equal to capital G M1 M2 divided by D square. To yahan pe jo capital G ki value hai. उसकी वैल्यू कितनी होती है वेरी इंपॉर्टेंट 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेस की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका आप यूनिट भी साथ याद रखेंगे सम टाइम ये यूनिट भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है तो ये वैल्यू भी याद रखनी है साथ यूनिट भी याद रखने तो ये वेरी स्मॉल वैल्यू होती है 6.67 10 रेस की पावर -11 क्वेश्चन नंबर 5 द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी ऑन द मून इज मून के ऊपर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो अर्थ सरफेस के ऊपर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वही मून के ऊपर उसकी वैल्यू जो होती है 1/6 हो जाती है तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी इट मीन कम हो जाएगी वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू एमसीक्यूज नंबर 6 द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी इज मैक्सिमम एट स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम कहां पे होती है ऑन दी सर्फिस ऑफ दी अर्थ होती है जैसे जैसे सर्फिस ऑफ दी अर्थ से हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी एल्टीट्यूड के साथ साथ जी की वैल्यू कम होती है क्वेश्चन नंबर 7 द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी इज अभी मैंने आपको बताया था इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर सिंपल न्यूटन ग्रेविटेशनल फार्मूले से यूनिट ड्राइव कर लेंगे F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय D स्क्वायर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 10 रेज की पावर 6 मीटर या इसको हम 6400 मीटर भी कह सकते हैं 6400 मीटर वी कैन आल्सो रिटन एज क्वेश्चन नंबर ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको आपने याद रखना है एज इट एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं क्वेश्चन नंबर 9 द मून कंप्लीट इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज चांद जो है ये जमीन के गिर्द घूमता है एक तो बात आपने ये याद रखनी है और दूसरी बात ये है कि ये कितने दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है ये 27.3 डेज में अपना चक्कर एक मुकम्मल करता है जैसे हमारी अर्थ 365 डेज में सन के अराउंड चक्कर मुकम्मल करती है इसी तरह जो चांद है ये जमीन के गिर चक्कर मुकम्मल करता है 27.3 डेज में क्वेश्चन नंबर 10 इफ ए बॉडी इज लिफ्टेड टू ए हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी द सिंपली आर प्लस एच आर हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है एच क्या है हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो आर प्लस एच आर यहां पे हमारे पास हमारी अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का रेडियस ऑफ अर्थ है और आर इज द हाइट ऑफ दैट बॉडी दैट लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो आर प्लस एच डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11
ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट इज, आर्टिफिशियल सेटेलाइट होते हैं और कुछ नेचुरल सेटेलाइट होते हैं, जैसे मून, मून इज द नेचुरल सेटेलाइट। सो आर्टिफिशियल सेटेलाइट वो सेटेलाइट होते हैं जो साइंटिस्ट भेजते हैं स्पेस में। तो आर्टिफिशियल सेटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। लास्ट टाइम ये एमसीक्यूज पीपीएससी के जनरल नॉलेज में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, द सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड टू द आर्टिफिशियल सेटेलाइट बाय, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट होती हैं उनके अंदर ग्रेविटी नहीं होती, तो जो ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे सेंटीपिटल फोर्स जो होती है वो प्रोवाइड करती है टू द आर्टिफिशियल सेटेलाइट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून इज, अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 380,000 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, द मैस ऑफ अर्थ इज, मैस ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁴ किलोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है, 10⁴ किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी एट द मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। वट विल बी द वेट ऑफ 100 किलोग्राम बॉडी ऑन द सर्फिस ऑफ द मून? यहां पे मैस गिवन है, वेट पूछा हुआ है, क्योंकि मैस और वेट में डिफरेंस है। वेट जो होता है हाइट के साथ साथ चेंज होता है, मैस सेम रहता है। तो यहां पे हमने बताना है इसका सिंपली, वो हमारे पास आ जाएगा 160 न्यूटन वेट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 1.6 होता है वहां पे, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो आंसर आ जाएगा 160 न्यूटन, क्योंकि वेट होता है एम जी के इक्वल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ वैनिशेस एट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये गायब हो जाती है, उसका असर खत्म हो जाता है कहाँ पे? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है उसकी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 भी समटाइम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट बाय, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम सिंबॉलिकली स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन 20, द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी एट द माउंटेन इज, माउंटेन के ऊपर पहाड़ों के ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। फर्स्ट एमसीक्यूज में मैंने बड़े तफसील से आप लोगों को बताया था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, लेसर देन दैट ऑफ द सी लेवल। सी लेवल की निस्बत पहाड़ों पर स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स एजुकेटर टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 से एमसीक्यूज। इंशाल्लाह इसी तरह हम अपने प्लेटफॉर्म को लेके चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें।